मुख्यमंत्री की गृह जिले जशपुर में एक शराबी हॉस्टल अधीक्षक ने आधी रात को मासूम बच्चों की पिटाई कर दी और फिर उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया। हॉस्टल अधीक्षक की आधी रात को की गई इस हरकत से कई बच्चे पैदल चलकर घर पहुंचे और परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल फरसाबहार विकास खंड से महज 10 किलोमीटर दूर संचालित प्री मैट्रिक छात्रावास के अधीक्षक नरसिंह मरार्ज ने 10 से 12 साल के अध्ययनरत बच्चों की शराब के नशे में जमकर पिटाई कर डाली। वहीं रात के अंधेरे में हॉस्टल के बाहर निकाल दिया। अधीक्षक की इस करतूत के बाद बच्चे पैदल अपने अपने घर चले गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही कुछ बच्चों के परिजन और ग्रामीण एकत्रित हुए और उन्होंने खूब नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही ऐसा कृत्य करने वाले अधीक्षक के खिलाफ जमकर हंगामा भी मचाया। को मारपीट कर भगाने के मारपीट नहीं किया था, लेकिन उनका आरोप तो है नहीं। मैं बच्चे लोगों को मैं बोला, मैं इतना बोला मैं कि तुमको पढ़ना लिखना नहीं है तो हॉस्टल में भी रहने की जरूरत नहीं, तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम हॉस्टल से जाओ और उसके बाद जो है अपना बोरिया बिस्तर लेके बच्चे लोग चले गए। लेकिन उनका कहना था वो लोग पोहा खा रहे थे अभी शाम को, अचानक आप शराब के नशे में आए और उनसे मारपीट किए और ऐसा गला दबाने का प्रयास किए, उनको जान से मारने का प्रयास किए। सर मेरे बच्चे सर 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 उनका कहना है कि आपने उनका पोहा जब खा रहे थे आपने उनका गला दबाने का प्रयास किया, आप जान से मार देने की बात कही। अगर आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे या आप शराब के नशे में धूत हैं, इस बात को किसी को बताया तो आप उसको जान से मार देंगे, ऐसा उनका आरोप है। मैं बस इतना बोला मैं तुमको नहीं पढ़ना है तो हॉस्टल से जाओ। लेकिन आप कौन होते हैं सर कि आप नहीं पढ़ना है और पढ़ना है? ये तो शासन का योजना है कि वो बच्चे जो यहाँ रहेंगे वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। हाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे ठीक है, हाँ, तो नहीं पढ़ना है तो जिसको जरूरत है उसको हम लोग एडमिशन देंगे ना साहब। अच्छा जिसको एडमिशन चाहिए उसको देंगे हम लोग एडमिशन, आप लोगों को एडमिशन क्यों देंगे हम लोग बताओ। नहीं तो उनका कहना तो वही है, बच्चे को एडमिशन नहीं होता तो क्यों रखेंगे, फालतू बच्चे को क्यों रखता है? अच्छा बाकी बच्चे को क्यों रखे हैं? आप आगे बोलोगे, आप गार्जियन हो डुमरिया के ठीक है, आपकी जरूरत है तो आप नहीं कर रहे हो तो मैं रखूंगा आपके बच्चे को। हम लोग बहुत प्रवास कर देखे लेकिन कोई रखते नहीं है छात्रावास में बिना अधिकार का। मैं रखता हूँ। रखते हो? हाँ मैं भी नर्सिंग करते दिखाई, तेरा नाम भी नर्सिंग है, नहीं रखा क्यों? और अभी बोल रहे तू खराब बच्चे को अधिक रखा हूँ तो सीट कितना है बता? 20 सीट है। 20 सीट है तो कितनों को रखे बता? अभी तो कम से कम 12-15 होंगे। हाँ तो बता, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जानते हैं, हम भी छात्रावास में जीते हैं। ठीक है आप पढ़े लिखे हैं आप जानते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो बोलो जो जो है बिना परमिशन का क्यों रखे? चलिए सर ठीक है। नहीं सुनिए ठीक है, बच्चा जो है ना आप ये बता दो आप शराब सेवन की हो गए? मैं नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया दोपहर में किया, मैं नहीं किया हूँ शराब सेवन दोपहर में किए थे। अभी आप अभी तो आप बोले हो ना दोपहर को पिया था? दोपहर को था जब बच्चे लोग जो स्कूल गए थे तब, मतलब दोपहर को पिए थे कहो तो। दोपहर को मैं बाहर जा पिया था और है ना हम लोग को मारा। ये आपके डुमरिया जो स्कूल है उसके अधीक्षक आप लोग को दारू पी के मारा, क्या बात को लेकर मारे कुछ किए? कुछ भी बात को नहीं लेकर बहुत मारता है, कुछ भी नहीं करने से आगे आगे से। तो आज क्या बात हो गई जो आप लोग रात को, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? हाँ, रोज होता है। अच्छा क्या नाम है उनका, क्या नाम है बेटा उनका? नहीं बताएंगे उनका नाम, उनका नाम नहीं आता आपको? नाम नहीं आता है नहीं बता सिंह है? नहीं वो जो अध्यक्ष का नाम बतावा। आज क्या हुआ बेटा, आज क्या हुआ, क्या बात के लिए आप लोग के साथ में मारपीट हुआ और आप लोग कैसे भागे, इससे पहले कैसे ऐसा नहीं हुआ?
दारू पी के आया, फिर वो हम लोग चिवरा खा रहे थे ना, फिर वो मुंह में लिए थे, फिर यहाँ को मार दिया। आपको मारा? नहीं, इसका, और मेरा कान सबको खींच रहा था। अच्छा, क्या बोल रहा था, क्या बात के लिए नाराज था वो? अरे एक दिन था उसको, तेरे को मैं नहीं रखूंगा, तू जा जो भी करना कर ले, बोल रहा था। वो बाहर का है। अच्छा, उसके दोस्त है क्या वो? नहीं है। जो अधीक्षक है वो बागबहार का है क्या? नहीं, रायगढ़। रायगढ़ का? रायगढ़ का है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग अभी कहाँ जा रहे हो, कहाँ निकले हो? कहाँ निकले हो आप? घर। घर कहाँ के रहने वाले हो बेटा? डुमरिया। यही लोकल हो, मैंने अपने अपने घर जा रहे हो। अभी जो फोटो में दिख रहे हैं आप लोग के मम्मी पापा लोग भी हैं, ये लोग भी कुछ बताएंगे। बताओ भैया क्या हुआ था? भैया बोले थे कि हॉस्टल में मार पीट के बच्चे लोग, इसलिए चपरासी लोग और छोकरा बन नहीं आएगा, यहाँ घर पहुँचाए। खाना झुक रहे हैं थोड़ा सा, मैं जानता हूँ। तो बच्चे रोसे का बताइए, आवाज से बोलिए। हम लोग ए वाला बच्चा है, तो मेरे को फोन किए, मेरे को बहुत मारा है, बहुत पीटा है, तो मैं नहीं रहूँगा वहाँ पर, मेरे को वहाँ से निकाल दीजिए। वो खाना खाने भी नहीं देता है और बहुत गाली देता है। इससे पहले घटना हो चुका है कि आज ही पहला ऐसा है? नहीं, दो तीन बार तो हुआ है। तीन बार होंगे। तो क्या शराब पी के आते हैं वो? बहुत शराब पी के आता है, बच्चे लोग को गिजट गिजट करता है। आप लोग क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो आप लोग इसमें? आपके बच्चे को रात को 9 बजे 8 बजे 10 बजे रात को मारपीट करेगा, जबकि शासन का योजना है कि शासन की योजना के अंतर्गत वहाँ पे पूरे खान पान के साथ में, पूरे व्यवहार के साथ में रखें, और ऐसा न करके वो आपके बच्चों को मारपीट कर रहा है, तो इसमें आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसको हम लोग वहाँ से निकालेंगे। ये आपका जो क्षेत्र है ना, ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है।